तो मैम आज आप सीईओ के हिसाब से आज आपने ये कन्वोकेशन फोरम को वो फोरम कर रही आज अच्छी तरह के तरीके से मतलब ऑर्गेनाइज किया, तो हम जानना चाहेंगे कि ये इंटायर फोरम को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। हाँ, एक्चुअली ऐसा था कि ये हमारा कॉन्वोकेशन 2022 तो कोरोना की वजह से लास्ट एक दो सालों से जैसे कि आप देख रहे हो कि कॉन्वोकेशन नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने कॉन्वोकेशन करवाया। और आज हमारे प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जो वाइस चांसलर हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रोनो हिल्स दोईमुख के, वो हमारे कॉन्वोकेशन एड्रेस के लिए आए थे, वो हमारे मेन गेस्ट थे। उसके अलावा DMO सर आए थे, डॉक्टर तागे कानो, पादी रिचो सर आए थे और मान्या इत्ते सर आए थे जो चेयरमैन हैं अरुणाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल रेगुलेटरी कमीशन के, वो आए थे। और पादी कुनिया मैडम आई थी और मुदो दुमी मैडम भी आई थी जो मुदो तामा मेमोरियल कॉलेज की जो चेयरमैन हैं वो आए थे। और भी बहुत सारे गेस्ट को हमने बुलाया था बट अलग ऑक्यूपेंसी होने की वजह से वो नहीं आ पाए। और जैसा कि अभी तक आप लोगों को न्यूज़ मिला होगा कि BJP के MLA जाम्बे तासी जो लुमला के हैं उनका डेथ हुआ, तो इस वजह से जो हमने मिनिस्टर्स वगैरह को बुलाया था वो नहीं आ पाए इस वजह से, क्योंकि वो उनके फ्यूनरल में बिजी थे। तो ये कॉन्वोकेशन जो होता है ये एक्चुअली एनुअल फंक्शन होता है जो स्टूडेंट्स जो पास आउट हो चुके होते हैं उनको डिग्रीज देने के लिए, क्योंकि मार्कशीट वो ले सकते हैं बट डिग्रीज कॉन्वोकेशन में अवार्ड होती है उनको। तो आज वो स्टूडेंट्स आए थे डिग्रीज लेने और बच्चे बहुत खुश थे आज का फंक्शन अटेंड करके, उन्होंने उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो यही था आज का फंक्शन हमारा। तो मैम आज सुबह पे आपने का जो इंस्टीट्यूट में कुछ जी हाँ वो भी था, सॉरी वो मैं बताना भूल गई। तो यहाँ से पहले हमारा इकतामसू पॉलीक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक लैब का इनोग्रेशन था। तो इकतामसू पॉलीक्लिनिक हमारा OPD चलता है का इनोग्रेशन हुआ आज, जिसमें फिजियोथेरेपी और योगा एंड नेचुरोपैथी की OPDs हैं दो। तो उसमें पहले से भी कुछ पेशेंट्स आते हैं, तो आज फॉर्मली वो इनोग्रेट हो गया प्रोफेसर साकेत कुशवाहा के थ्रू, उन्होंने इनोग्रेट किया इसको। और हमारा डायग्नोस्टिक लैब आज इनोग्रेट हुआ, जिसमें आज से जीरो के पब्लिक जो हैं वो हमारी सेवा ले सकते हैं। इसमें हर तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं और बहुत ही मिनिमल चार्जेस पर है, मार्केट से बहुत कम रेट पर हम लोग हर तरह का टेस्ट करेंगे। हार्मोन एनालाइजर है, CBC जो कम्प्लीट ब्लड काउंट होता है, और कई तरह के टेस्ट हैं जो आपको लैब टेक्नीशियन शायद ज़्यादा बेटर बताएंगे और बहुत मिनिमल चार्जेस पर है। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग थोड़ा प्रमोट करें, क्योंकि हम लोग जनता की सेवा में लगे हुए हैं। ऑफकोर्स आप हमारा रेट भी कंपेयर कर सकते हैं, कंपेरेटिवली बहुत कम है। और OPDs भी हैं, OPDs का भी पब्लिक सेवा उठा सकती है। फिजियोथेरेपी भी जो है आजकल आप जानते हो फिजियोथेरेपी से लोगों को बहुत रिलीफ मिलता है जो, और अरुणाचल के बच्चों को मैंने देखा है दे आर मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। सो फिजियोथेरेपी है हमारा, यहाँ बहुत सारे हमारे जो पेशेंट थे उनको स्ट्रोक की प्रॉब्लम थी, पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने रिकवर किया है। नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज ये होता है ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन। तो आप जानते हो जैसे कि हर कोई कहता है मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, जो होता भी है थोड़ा बहुत, ऑफकोर्स हम लोग भी एलोपैथी लेते हैं बट उसका थोड़ा साइड इफेक्ट होता है। बट ये जो आपका योगा नेचुरोपैथी है ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो विदाउट मेडिसिन चलती है। सो आज हमने OPDs को भी फॉर्मली इनोग्रेट करवाया है। तो हम जानना चाहेंगे कि आज टोटल काफ़ी सारे स्टूडेंट को आज डिग्री हो जी 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 आप मतलब मिलके बता पाएंगे कि कितना स्टूडेंट्स को आज आज तो 84 स्टूडेंट्स को मिला है। एक्चुअली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे बट सब कहीं ना कहीं क्योंकि पास आउट होने के बाद जॉब लग ही जाता है, और अरुणाचल के स्टूडेंट को तो और भी ज़्यादा आसानी से जॉब लग जाता है यहाँ पे जो भी लोकल मतलब वैकेंसीज होती हैं। तो हमारे कोर्सेज भी ऐसे ही हैं, आप देखो पैरामेडिकल है, डायग्नोस्टिक लैब का, तो लैब टेक्नीशियंस की वैकेंसी निकलती रहती है। और फिर फिजियोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी की भी फिजियोथेरेपिस्ट की भी वैकेंसी निकलती है, नर्सिंग है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है कहीं ना कहीं जॉब में, तो बहुत सारों को ऐसा हुआ कि उनको छुट्टी नहीं मिल पाई अपने जॉब से, तो इसलिए 84 स्टूडेंट्स ही अटेंड कर पाए हैं। तो 84 स्टूडेंट्स थे आज के फंक्शन में। ओके, थैंक यू सो मच जी।